Hello student, this is your Deepak sir from MBBS Public School and I am going to teach you a topic called Python which is important for class 9th and 10th. It is a part 2nd of your Python. In the part 1, we are read about what is Python, why we use Python. Okay, so let's see what is the history of Python. So Python is a brainchild of Gudjo van Rossum, who started a developmental effort in the 1980s. It in fact inspired by the British comedy Monty Python. The first Python implement was in December 1989 in the Netherlands. Since then, Python has gone through the major turnarounds periodically. The following can be considered as a milestone in the development of Python. Okay, so Python jo hai kahin na kahin wo Gudjo van Rossum के डेवलपमेंट्स का एफर्ट था जो कि उन्होंने 1980 में किया. पहली जो है पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन जो आया वो दिसंबर 1989 में आया. कहाँ पर? नीदरलैंड में आया. और 1989 में जब पाइथन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद पाइथन के में कई सारे डेवलपमेंट होते चले गए. जैसे कि पाइथन 0.90 जो है वो फरवरी 1991 में रिलीज़ हुआ. पाइथन 1.0 जो है जनवरी 1994 में रिलीज़ हुआ. पाइथन 2.0 जो है हमारा अक्टूबर 2000 में रिलीज़ हुआ. और इसके बाद टिल डेट तक पाइथन 3.7 रिलीज़ किया गया जून 2018 में. ओके, वंस ऑफन इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर द न्यू कमर दैट देयर आर द टू मेजर वर्जन 2.x एंड 3.x अवेलेबल स्टिल बीन डेवलप्ड इन अ पैरेलल यूज सिंस 2008. यानी कि कहीं ना कहीं पाइथन के हमें दो वर्जन्स देखने को मिले और दोनों ही वर्जन्स में जो है पैरेलली जो है डेवलपमेंट होते चले गए. ठीक है, अब अगर हम ये देखेंगे पाइथन 3 वर्सेस पाइथन 2 में कौन बेटर है या फिर कौन अच्छा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पाइथन 3.x वॉज रिलीज एट द एंड ऑफ 2008. इट मेड अ चेंजेस दैट मेड सम ऑफ द ओल्ड पाइथन 2.x कोड इनकम्पेटेबल. ओके, यानी जो सबसे पहला वर्जन था 3.x का, वो जो है रिलीज किया गया इन 2008. इसमें जो है बहुत छोटे चेंजमेंट किए गए जो कि पाइथन 2.x में इनकम्पेटेबल थे, यानी कि उसमें नहीं थे. सो पाइथन के कुछ जो फीचर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जैसे स्ट्रिंग आर यूनिकोड बाय डिफॉल्ट, क्लीन यूनिकोड बाइट सेपरेशन, एक्सेप्शन चेनिंग, फंक्शन एनोटेशन, द सिंटेक्स फॉर अ कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट, एक्सटेंड टपल अनपैकिंग, नॉन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, सो कहें सो बहुत सारे हमारे पास पाइथन 3 के जो है चेंजमेंट आते चले गए. अब जो दो सिग्निफिकेंट चेंजेस थे किसी भी वर्जन के लिए, उनकी बात करते हैं. पहला था यूनिकोड एंड स्ट्रिंग. सो देयर आर द टू टाइप ऑफ स्ट्रिंग विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अ बाइट सीक्वेंस एंड द यूनिकोड स्ट्रिंग. बाइट सीक्वेंस हैव टू लिटरल कैरेक्टर फ्रॉम ASCII अल्फाबेट्स. यूनिकोड स्ट्रिंग कैन होल्ड ऑन टू द प्रिटी मच एनी कैरेक्टर वी पुट इन देयर. ओके, सो कहने का मतलब है जो भी स्ट्रिंग है वो टू टाइप्स में बांटी गई, एक हमारी बाइट सीक्वेंस और दूसरा हमारा यूनिकोड स्ट्रिंग. बाइट सीक्वेंस में लिटरल्स या फिर लिटरल कैरेक्टर्स जो थे वो हमारे ASCII अल्फाबेट से लिए गए, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. और जो यूनिकोड था इसने जो है वेरियस लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व किया ताकि वो कोडिंग को लिख सके इमोजी एज वेल, यानी ये जो हमारी इमोजीज होते हैं उन्हें भी जो है यूनिकोड ने एक्सेप्ट किया. इन पाइथन 2 वी हैव टू मार्क एवरी सिंगल यूनिकोड स्ट्रिंग विथ a u at the beginning like u hello python. As we use unicode string every now and then, it become cumbersome to type a u for every code string. If we forget to prefix the u, we would have a byte sequence instead. यानी कहने का मतलब है जब हम पाइथन 2 की बात करते थे, जैसे मान लीजिए हमको छोटा सा ही प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, यू का यूज करना पड़ेगा जो कि यूनिकोड को दर्शाएगा. तो जो यूनिकोड स्ट्रिंग है अब या कभी भी जो है अगर हम प्रिफिक्स यू को छोड़ दें तो हम बाइट सीक्वेंस का ही इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन 3 वी नीड नॉट राइट यू
every time. All string are now Unicode by default, and we have to make byte sequence with A, B. ओके सो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है जो पाइथन 2 में हमें यूनिकोड स्ट्रिंग को दिखाने के लिए यूज करना पड़ता था वहीं पे पाइथन 3 में हमें इसका यूज नहीं करना पड़ता है. ओके सो हियर व्हाट आर द डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स. वन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ पाइथन इज टू नेवर डू एनीथिंग इम्प्लिसिटी. फॉर एग्जाम्पल near turn a member into a string unless a programmer code for it. Unfortunately, Python 2 took this bit too far. Consider the following operation 5/2. The answer we accept here is 2.5. Okay, but instead Python 2 will turn only 2. Following the core value mentioned above, Python will return the output of the same type as an input type. Again, this is fixed by the Python 3. It will now put 2.5 as the output to the above problem. In fact, it gave a float output to every division operation. And division with integers में जो है Python 2 में एक दिक्कत आती थी कि अगर हम 5/2 को divide कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आंसर है वो 2.5 आना चाहिए. बट पाइथन 2 हमें इसका आंसर 2 देती थी क्योंकि पाइथन 2 इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंटीजर नॉट द फ्लोट. ओके सो इन पाइथन 3 दिस प्रॉब्लम इज आल्सो ओवरकम एंड इट गिव्स अस द आउटपुट दैट इज 2.5. ओके सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास. इन टुमारो क्लास वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन एंड एरर हैंडलिंग.